योगी कराएंगे बंदरों की नसबंदी। उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? जनसंख्या देश में इंसानों की बढ़ रही है, फिर नसबंदी बंदरों की कराई जाने वाली है। 4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पहले 500 बंदर पकड़ेंगे, फिर 10,000 बंदरों की होगी नसबंदी। ताजमहल के बंदरों की ही नसबंदी क्यों? अब बंदर ने ऐसा भी क्या किया? वजह वाजिब है, जानिए आगरा के बंदरों की ही नसबंदी क्यों। भारत इंसानों की जनसंख्या में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, और भारत में उत्तर प्रदेश इंसानों की जनसंख्या में पहले स्थान पर है। अब समस्या इंसानों की बढ़ती जनसंख्या से भले ही जो हो, लेकिन जबरन पकड़कर नसबंदी आपातकाल के जैसे तो कराई नहीं जा सकती। ये मानवता का सवाल है। इंसानों की नसबंदी बड़ा अपराध है, मगर जैसे इंसानों की बढ़ती जनसंख्या भारी समस्या है, ठीक वैसे ही बंदरों की जनसंख्या भी समस्या में कहीं कमी नहीं छोड़ रही। तभी आगरा के बंदरों को पकड़कर नसबंदी कराने का बड़ा प्लान चल रहा है। इस प्लान पर जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगरा के बंदरों ने ताजमहल के दीदार करने वालों को बड़ा परेशान कर रखा है। ताजनगरी को बंदरों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए योजना पूरी तैयारी से पधारने वाली है। अब भला ताजनगरी में बंदर ऐसा भी क्या करते हैं जिससे बचने के लिए नसबंदी का ही प्लान बना लिया गया? तो चलिए समझें। आगरा नगर निगम ने बंदरों की नसबंदी करने की योजना बना ली है। इसके तहत करीब 10,000 बंदरों की नसबंदी की जाएगी और इस पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में ताजमहल के आसपास से 500 बंदरों को पकड़कर नसबंदी की जाएगी, फिर 10,000 बंदर पकड़े जाएंगे जिन्हें नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा। इस पूरे प्लान को वन विभाग से अनुमति मिल गई है। दरअसल बंदरों ने ताजमहल में खूब उत्पात मचाया। उनके उत्पात से परेशान होकर नगर निगम ने नसबंदी का फैसला ले लिया। उनके उत्पात से पर्यटकों को भी रूबरू होना पड़ा। कई बार उत्पाती बंदर पर्यटकों पर हमलावर हो चुके हैं। बीते महीने में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पर्यटक छोड़िए, आम निवासी भी बंदरों की समस्या से परेशान हैं। इन्हीं सब समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नगर निगम ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करने के लिए अनुमति मांगी थी। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद नगर निगम ने योजना बना ली है, और अब ताजमहल के साथ शहर भर से 10,000 बंदरों को पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा।